प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे यमुनानगर के लाभार्थी किसानों ने कहा कि सरकार ने इस योजना को शुरू करके किसानों के मनोबल को बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पहले उन्हें खाद बीज खरीदने के लिए आढ़ती का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन योजना के तहत प्रोत्साहन राशि मिलने से उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि किसान अब अपने आप को स्वावलंबी और सुरक्षित महसूस करता है। किसानों ने कहा कि सरकार ने किसानों के बारे में सोचा भी है और सहयोग भी किया है, जिससे देश का किसान बहुत खुश है। यमुनानगर जिले की यदि हम बात करें तो हमारे पास करीब 69,115 किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है इस योजना के तहत, और करीब 66,215 किसानों को ये राशि मिल चुकी है। इसकी 6 किस्तें अभी तक आ चुकी हैं। ये योजना 2019 फरवरी में गोरखपुर से प्रधानमंत्री जी ने शुरू करी थी, और मुख्यमंत्री जी हरियाणा सरकार ने खुड़ाना गांव महेंद्रगढ़ से शुरू करी थी 24 फरवरी 2019 को। तो उसके बाद किसानों को 3-3 महीने बाद 2,000 रुपये की राशि आती है 4 महीने बाद, और ये साल में 6,000 रुपये आते हैं, जिसके छोटे किसान हैं जो अपनी खाद बीज या दवाई की जो भी उनकी डिमांड रहती है तो इस राशि से पूरी कर सकते। अच्छा है जी, बहुत बढ़िया लाभ है जी। टाइम पर काम, पैसे टाइम पर काम आ जाए, और 2,000 रुपये 3 महीने बाद 4 महीने बाद आ जाते हैं। किसी भी सरकार ने इस तरह किसी जिम्मेदार को पैसा नहीं दिया अभी तक, इन्होंने किस्त के पैसे दिए हैं। हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। 2,000 रुपये ये भेज रख के हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। खेती बाड़ी पर जी बीज खाद तेल लिया हुआ है जी, और हम आज कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं पैसे आड़ती पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने कढ़वाओ और खेती पर ला लें। ठीक है जी, 2,000 रुपये देते हैं जी, बढ़िया काम है जी। दूसरी सरकार ने हमारे से कुछ नहीं दिया है जी, मोदी सरकार ने हमारे से 6,000 रुपये साल देते हैं जी, और हम अपना बीज लेते हैं जी, खाद लेते हैं जी।